तो बच्चों क्लियर दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल और कई अलग प्रकार के भी हम देखने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स आप 10th स्टैंडर्ड में भी एक बार पढ़ चुके हो, तो आप सोचोगे कि वही होगा। यस बच्चों वही सेम है, बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होंगे उनका लेवल थोड़ा एक या दो स्टेप ज़्यादा होगा, इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। और बोर्ड्स के लिए भी ये आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई वी हैव टू कंबाइन रेजिस्टर्स। सिंपल ये बात आती है कि रेजिस्टर्स को क्यों कंबाइन करना होता है। तो बच्चों एक सिंपल प्रॉब्लम है और उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। देखो अब आपको पता है कि भाई सीरीज में रेजिस्टर ऐड होते हैं, 10th में पढ़ा है। अब मेरे पास बेटा 5 ओम के, कितने ओम के? 5 ओम के बहुत सारे रेजिस्टर्स पड़े हैं, बट मुझे अपने सर्किट के लिए जो करंट की वैल्यू कंट्रोल करनी है उसके लिए रजिस्टर चाहिए, रिक्वायर्ड रजिस्टर है, रिक्वायर्ड रजिस्टर है वो है 10 ओम। पर मेरे पास तो कैसे हैं, 5 5 ओम के हैं, और चाहिए कौन सा? 10 ओम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देना पड़ेगा। क्या मेरे बच्चे समझ रहे हैं? यस और नो? इन दोनों को कैसा कनेक्ट कर देना पड़ेगा? सीरीज में कनेक्ट कर देना पड़ेगा, जिससे मेरी जो रिक्वायरमेंट है 10 ओम की वो पूरी हो जाएगी। बोलो पक्का क्लियर के नहीं? यस और नो? कॉम्बिनेशन क्यों करना है? इसी तरह से बच्चों पैरेलल भी करना रहता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होता है वो हम पढ़ेंगे, पर कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया कि रिक्वायर्ड वैल्यू को अटेन करने के लिए, और रिक्वायर्ड वैल्यू हमें चाहिए उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन करना जरूरी होता है। जैसे आगे हम सेल्स का भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहला कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का कौन सा पढ़ें बताइए? तो आपको पता है हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसका शॉर्टकट वगैरह तो आप देख चुके हो, चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट क्या है। ओके, और पैरेलल का क्या है, पूरा शॉर्टकट हमें याद है। अब यानी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो बच्चों हम लोग दो रेजिस्टर्स लेते हैं, एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, ठीक है। अब हमने इनके साथ एक वी वोल्ट की बैटरी लगा दी है, सपोज कर लो प्लस और माइनस। तो बच्चों यहाँ से करंट निकला I, क्या वही करंट सेम जाएगा? यस, और वापस भी वही आएगा, बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। ओके यस, अब देखिए इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो I करंट आया तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा IR1, यानी V1 मैं उसको बोल दूं, इस रेजिस्टर का पोटेंशियल। इस रेजिस्टर का पोटेंशियल बेटा कितना हो जाएगा? V2, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में लगाने के बाद ये कंबाइनली वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे? कंबाइनली वर्क करेंगे। R1 इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे R2 इंडिविजुअल नहीं है, दे वर्क कंबाइनली, एक ही रेजिस्टेंस के फॉर्म में वर्क करेंगे। तो मान लीजिए बच्चों वो रेजिस्टेंस जो एक ही बन जाता है वो कितना है? आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ, यहाँ पे बी, सिमिलरली ये ए और ये बी। अब ए और बी के बीच में R1 प्लस R2 या R1 जो भी इक्वेशन आएगा, ये दोनों कंबाइन होकर कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं? आर इक्विवेलेंट। और यहाँ पे अगेन हम बैटरी लगा देंगे, प्लस और माइनस वी वोल्ट, करंट जाएगा I और उतना ही करंट वापस आएगा, ठीक है। बोलो समझ में आया? तो हमारा टारगेट है ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, क्लियर?
समझ में आया कि नहीं आया, बोलो मैसेज करो बच्चों, ये क्लियर हुआ कि नहीं। R1, R2, V1, V2, करंट I फ्रॉम द बैटरी। NCERT में ये पार्ट नहीं बताया, आप समझ लो करंट कहाँ से आएगा, बैटरी में से ही तो आएगा। यस सर नो, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो, टोटल पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या बच्चों वी हो जाएगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल वी हो जाएगा, और वी किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 होगा कि नहीं, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, तो टोटल कितना हुआ, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब ध्यान से आप देखिए, V एज इट इज, V1 क्या लिखेंगे बताइए, V1 क्या लिखेंगे बताइए, व्हाट इज V1, V1 कितना होगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, यस निसर्ग का आंसर राइट है, IR1, करंट फ्लो हो रहा है I और रेजिस्टेंस है R1, तो पोटेंशियल कितना हुआ, IR1, यस बिल्कुल। अब वही करंट R2 में से पास हो रहा है, करंट है I, रेजिस्टेंस है R2, तो कितना होगा पोटेंशियल, IR2, बिल्कुल सही है, यस IR2 सबको आ रहा है। अब बच्चों इसमें I आ गया कॉमन, R1 प्लस R2, क्या मेरे बच्चे समझ में गए ये, हाँ के ना बच्चों, I आ गया कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, R1 एंड R2, I नीचे लेके आ जाओ तो V बाई आई क्या बच गया बेटा, क्या बन गया हमारा, R1 प्लस R2, I नीचे आ जाएगा। अब देखिए, इफ इक्विवेलेंट, और वी कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम फिगर 2, ये फिगर 1 और ये फिगर 2, फ्रॉम फिगर 2 वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट, यस और नो, यहां पे V किसके, इसका पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, I करंट, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, था IR इक्विवेलेंट, तो I बाई V बाई आई क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, देखो V बाई आई क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, तो फाइनली R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या मिला बेटा, R1 प्लस R2, क्या मिला, R1 प्लस R2, क्या मेरे बच्चों को समझ में आया, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है इसका, जो टूटा यहाँ पे कौन डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, उसी का ऐड करने का टोटल वोल्टेज लेके ये प्रूव कर दो, बिल्कुल सिंपल, आ गया कि नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2 होता है, क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर एन रेजिस्टर्स, हम यही इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर इसके जगह 3 रेजिस्टर्स होते, R1, R2 एंड R3, तो आप क्या लिखते, R1 प्लस R2 प्लस R3, और N रजिस्टर हैं तो क्या लिखेंगे, अप टू RN लिखेंगे, यार समझ में आ रहा है ना, R1 प्लस R2 अप टू RN चलेगा, बिल्कुल क्लियर, हाँ के ना, यस, यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब मान लीजिए बेटा, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू अप टू RN इज इक्वल टू R, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हो बेटा, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हो बेटा तो क्या होगा, यस देखो ये दोनों सेम हुए, R प्लस R तो कितना हुआ 2R, क्या बच्चे समझ में आ रहा है मेरे बात, यस बिल्कुल,
और अगर तीन होते तो आर प्लस आर प्लस आर थ्री आर होता। तो अगर एन है तो क्या होगा, एन इंटू आर, एन इंटू आर। बोलो क्लियर, सीरीज कॉम्बिनेशन आया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है, यस। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट नोट यहां पे लिख सकते हैं हम लोग। देखो यहां पे एक बात नोट कर सकते हो। क्या बात नोट कर सकते हो, देखो ध्यान से। मान लो बच्चों R1 की वैल्यू 5 होती, R2 की वैल्यू 3 होती या 2 होती, 3 ये 5 और ये 3, तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना होता, 5 प्लस 3 यानी 8। अगर R1 की वैल्यू 2 होती और R2 की वैल्यू 4 होती तो इक्विवेलेंट कितना होता, 2 प्लस 4 6। तो यहां पे आप एक बात नोट करोगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हायर देन, समझना है, हायर देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। यानी कि अगर R1 हमने 4 ओम लिया और R2 मैंने 3 ओम लिया, तो यहां पे बड़ा रेजिस्टेंस कौन है, 4। तब हमने इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 7। यानी जो सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो नेटवर्क में कनेक्टेड है मैक्सिमम वैल्यू का, उससे भी ज्यादा आता है। समझ में आया? यस। तो द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज मोर देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। समझ में आया? क्लियर के नहीं? यानी R1 और R2, अगर R1 सबसे बड़ा है इन दोनों में से, यानी 10 रेजिस्टेंस हो मान लो, और 10 में से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा और उन सभी का सीरीज किया, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे भी बड़ा आंसर आपको देखने को मिलेगा। सिंपल है, क्योंकि यहां पे एडिशन हो रहा है। ओके, डन। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इस नोटेशन को भी आप नोट कर लेना बेटा, नोट को नोट कर लेना, बढ़िया है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, हो गया ना? यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। सीरीज में कौन टूट रहा था बेटा, वोल्टेज टूट रहा था, यस, हाँ के ना? सेम कहानी चलने वाली है बेटा, जो अभी हम लोग देखे पैरेलल में भी वही आने वाली है। ठीक है, पैरेलल में भी वही आने वाली है। चलो कुछ बाकी रखा है, वहां पे सेम कुछ लिखना है हमें, इसमें भी वही बातें रिपीट होंगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है कि ये दो हमने टर्मिनल ले लिए बेटा, ए और बी, इसके बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, दूसरा जो रेजिस्टेंस लगा दिया R2, और यहाँ पे आप बैटरी वही अपना काम है जो पहले किया था, बैटरी लगा दी प्लस और माइनस, यहाँ से करंट निकला I, तो वापस भी कितना आया होगा बेटा I। क्या ये कहानी रिपीट कर रहे हैं हम लोग, वही है, सीरीज की जगह अब ये पैरेलल में आ गए हैं। अब पैरेलल में यहाँ पे करंट आया तो उसके पास यहाँ पे दो रास्ते होंगे,
अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस इसमें से करंट मान लो आई वन पास हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रेजिस्टेंस इसमें करंट कितना पास हो रहा है आई टू, वो आई वन आई टू वापिस बी पे मिलके कितना बना देंगे आई। क्लियर? हाँ के ना? और पैरेलल है तो इनका जो पोटेंशियल है दोनों का वो इक्वल रहेगा, पोटेंशियल दोनों का क्या रहेगा इक्वल। लिख लेना ये, सीरीज में करंट सेम रहता है वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है करंट डिवाइड होता है। क्लियर के नहीं? यस। अब देखो अगर हम यहां पे बैटरी लगाएं और एक ही रेजिस्टेंस माने, इसका कॉम्बिनेशन एक ही माने, तो वो कितना होगा बेटा आर इक्विवेलेंट, बैटरी में से करंट निकलेगा आई, उतना ही वापस आएगा आई, जितना जाएगा उतना ही आएगा, जितना जाएगा उतना ही आएगा। अब बताओ यहां पे क्या फाइंड करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे बताइए। सीरीज में तो हमने टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू लिया था, क्या यहाँ पे भी वही करेंगे या कुछ और करेंगे? यहाँ पे पोटेंशियल तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे सोचो, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड ही नहीं हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे अब आएगा बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक करंट, यस फ्रॉम द बैटरी इज I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, यस आई वन प्लस आई टू, आई वन और ये आई टू का एडिशन। अब बताओ I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई वन प्लस आई टू की जगह क्या लिखेंगे? देखो इसका पोटेंशियल इस रजिस्टर जो है यहाँ पे लगा, जिसका रजिस्टेंस आर वन है उसका पोटेंशियल वी है, करंट आई वन है, तो बेटा आई वन क्या लिखा जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से, V अपॉन आर वन, और यहाँ पे भी पोटेंशियल V है, करंट I2 है, जो हमें फाइंड करना हो रेजिस्टेंस R2 है, तो क्या लिखा जाएगा V अपॉन आर टू, यस और नो? हाँ के ना? बोलो क्लियर करो, समझ रहे हो कि नहीं? V अपॉन आर वन एंड V अपॉन आर टू I1 I2 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे बच्चों लिखेंगे हम V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, V कॉमन आएगा, वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू बच जाएगा, और यही V नीचे चला जाएगा, वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू, ठीक है? यहां तक सेम प्रोसीजर उसके जैसी हमने की है, कोई नई बात नहीं करी है बच्चों, वही बात हमने फॉलो की है सेम। हाँ, जो कॉमन आया यहाँ पे V कॉमन आ रहा है सेम है इसलिए, और नीचे V आ गया। अब देखो फ्रॉम फिगर टू क्या कह सकते हैं इस फिगर से कि भाई I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V अपॉन R इक्विवेलेंट, पर यहाँ पे I बाई V है, तो I बाई V क्या लिखा जाएगा, वन अपॉन R इक्विवेलेंट। देखो ये V वोल्टेज करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट है, तो I बाई V क्या लिखा जाएगा, वन अपॉन R इक्विवेलेंट, तो I बाई V की जगह लिख दिया मैंने वन अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन R वन प्लस वन अपॉन R टू। ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हाँ कि ना? बिल्कुल ना। यहाँ पे I आया और I डिवाइड हुआ, यस बिल्कुल सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे LCM ले बेटा, तो वन अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू, और ऊपर चला जाएगा एडिशन हो जाएगा आर टू
इधर गया और R1 इधर आया, R2 plus R1, okay? So that R equivalent is equals to R1 into R2 upon R1 plus R2. R1 into R2 upon R1 plus R2. बोलो क्लियर? हाँ के ना? यस और नो? बिल्कुल? हाँ? अच्छा तीन होते तो क्या करते? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus चलेगा ऐसे? हाँ के ना? ये हटाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर तीन होते हैं फॉर थ्री रजिस्टर्स, क्या बेटा आप वन अपन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री लिख दोगे? यस बिल्कुल सेम, इसके जैसा ही। पर इसके बारे में देखो, यस इसके बारे में जब आप लिखोगे तो अपना वो शॉर्टकट आपको याद आएगा बेटा, वेलोसिटी वाला, थ्री वी वन वी टू वी थ्री, वो वाला याद आएगा। पर इसमें थ्री नहीं आएगा, सिर्फ तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, आर वन आर टू आर थ्री। और नीचे क्या लिखना याद है, पहले में पहला नहीं, तीन में से दो लिखने के, पर पहले में पहला नहीं, दूसरे टर्म में दूसरा नहीं और तीसरे टर्म में तीसरा नहीं। याद आया? तीन है यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, नीचे दो दो लिखने हैं और उसमें पहले में पहला नहीं, दूसरे में दूसरा नहीं, तीसरे में तीसरा नहीं, ये शॉर्टकट हो जाता है। अब ये आया कहाँ से, इसका एलसीएम ले लो बेटा। तो देखो आर वन आर टू आर थ्री, इधर आएगा आर टू आर थ्री, इधर आएगा आर वन आर थ्री, इधर आएगा आर वन आर टू, फिर उसका उल्टा कर दोगे तो क्या ये आंसर देखने को मिलेगा बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? बिल्कुल ना। अब हम बात करते हैं फॉर एन रजिस्टर्स, अगर एन रजिस्टर दिए हैं बेटा, कितने रजिस्टर दिए हैं, एन रजिस्टर दिए हैं बेटा, क्लियर करना है। एन रजिस्टर्स अगर दिए हैं बेटा तो क्या होगा, 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus up to 1 upon Rn, ठीक है? और अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस हैं, उनकी जो हम वैल्यू निकाले भी 5 ओम है, कोई भी वैल्यू हो वो सेम हो, तो R equivalent क्या बनेगा इधर? जैसे सीरीज में क्या बन रहा था, n इंटू आर, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, अगर दो रेजिस्टेंस दोनों सेम है तो r इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, r प्लस आर 2r हो जाएगा, एक r कट हो जाएगा तो r बाई टू, दो है तो r बाई टू आता है, अगर तीन होंगे तो r बाई थ्री आएगा, और अगर n होंगे तो r बाई एन आएगा। आएगा मेरे बच्चों, R by N आएगा, क्या आएगा, R by N, पक्का ना? बिल्कुल समझ में आया, ठीक है? हाँ तो यही याद आपको रखना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हम लोग सीरीज पैरेलल की कर चुके हैं। अब यहाँ पे भी वो नोट जिस जैसे हमने सीरीज वाले में बनाई थी वैसे पैरेलल वाले में भी बनेगी। देखो इसमें पैरेलल में क्या होगा, मान लो बच्चों हम दो रेजिस्टेंस लेते हैं, एक 6 है दूसरा 3 ओम है, तो 6 इंटू थ्री अपॉन 6 प्लस 3 यानी 18 बाई 9 यानी 2 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 2। यस देखो दो रेजिस्टेंस लिए हमने 6 ओम और 3 ओम, तो 6 इंटू थ्री अपॉन 6 प्लस 3, 6 इंटू थ्री यानी 18, 6 प्लस 3 यानी 9, 18 बाई 9 यानी 2, यानी दो रेजिस्टेंस, एक था 6 ओम दूसरा था 3 ओम, सबसे छोटा कौन, 3 ओम, और जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 3 ओम से भी छोटा,
2 ओम आंसर आया। यानी यहाँ पे नोट क्या बनेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटी वैल्यू इसकी मिलेगी। यस, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। क्लियर, smaller than the smallest resistance in the combination। यानी 6 और 3 ओम आप लगाओगे तो हाँ छोटे से भी छोटा आंसर आएगा। यानी पैरेलल में क्या होगा, कॉम्बिनेशन का छोटे से छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा वैल्यू का इक्विवेलेंट आपको मिलने वाला है। और सीरीज में क्या होगा, कॉम्बिनेशन में लगा सबसे बड़ी वैल्यू के रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आंसर आएगा। तो ये एक नोट बन जाती अच्छी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, पैरेलल भी आपका खत्म।